लोग संविधान को मानते हैं वो जेल से फ़ोन नहीं कर सकते। फोन तो हमारे पास भी आया और भी जगह पर फोन गया है, ये बात सही है, लेकिन फोन नहीं आना चाहिए। हमने तेजस्वी को आईना दिखाया कि वो हमेशा हमारे संविधान के ऊपर टारगेट करते आ रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन करने का आरोप लगता आया है और एक बार फिर से वायरल ऑडियो के कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी ट्रोल हो रहे हैं वायरल ऑडियो को लेकर, सियासत भी गरमा रही है और अब प्रतिक्रियाएं अलग अलग नेताओं की सामने आने लगी है। मुकेश सहनी से इस विषय में हमारे सहयोगी आलोक ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने इस वायरल ऑडियो वाले मुद्दे पर, आप सुनिए। लालू प्रसाद यादव का जो ऑडियो वायरल हुआ है, आपसे भी पहले बातें होती थी, ये बातें सामने निकल पाई हैं? ठीक है, देखिए मुझे कहना था कि मतलब कुछ लोग बेवजह संविधान को घसीटते रहते हैं, काम पे उनको ध्यान रखना चाहिए। संविधान हमारा बहुत मजबूत है, उसके ऊपर उंगली उठाना उचित नहीं है। बार बार चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा देना या अदर अदर चीज़ों पे उठा देना, ये कहीं ना कहीं गलत है। और कल भी जिस तरीके से विधानसभा में जो कल हंगामा हुआ, तो संविधान को पहले देख लेना चाहिए। इससे पूर्व में भी इस तरीके से होते आया कि सदन में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने बात विवाद खड़ा करके 2 घंटा टाइम बर्बाद करके और पिछड़ा के बेटा को, दलित के बेटा को बाहर निकालने का काम किया, वो कहीं ना कहीं गलत था। और हमेशा संविधान के ऊपर आरोप लगाते आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये गलत है। और अगर जो लोग संविधान को मानते हैं वो जेल से फ़ोन नहीं कर सकते। जेल मैल्यू के अनुकूल कोई व्यक्ति जब जेल में है तो वो जेल से बाहर फ़ोन नहीं किया जा सकता। फ़ोन तो हमारे पास भी आया और भी जगह पर फ़ोन गया है, ये बात सही है, लेकिन फ़ोन नहीं आना चाहिए। जब अगर आप संविधान को मानते तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आईना पर किसको दिखाया, तेजस्वी को दिखाया, किसको दिखाया? हमने तेजस्वी को आईना दिखाया कि वो हमेशा हमारे संविधान के ऊपर टारगेट करते आ रहे हैं। आप अपने आप को मजबूत कीजिए, विपक्ष में है निश्चित तौर पर, आप एक सरकार की तीसरी आंख है, हम लोग से जो गलती होगा वो आप हमें दिखाइए, निश्चित तौर पे उस पर हम लोग अमल करेंगे, काम करेंगे। सरकार जवाब देने को तैयार है? निश्चित तौर पे हर सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं, और वो सिर्फ सवाल का जवाब ही देने के लिए तैयार नहीं है, वो काम करने के लिए भी तैयार है। तो इसके लिए जब भी हो आप आइए, क्योंकि हमने कल उनके फेसबुक लाइव पे भी देखा तो किस तरीके से हमारे संविधान का, चुनाव आयोग का, अलग अलग विभागों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। अभी आप विपक्ष में हैं, जनता के बीच में जाइए, जनता के लिए लड़ाई लड़िए, और हमसे जो छूट जाए उसको हमें भी बताइए, हम भी निश्चित तौर पर उस पर काम करेंगे, लेकिन हमारे संविधान को टारगेट नहीं करेंगे। तो बातों ही बातों में मुकेश सहनी ने भी बड़ी बात कह दी। ये कहा कि हमारे पास भी लालू प्रसाद यादव का कॉल आया था जो कि संविधान के खिलाफ है, अगर आप जेल में हैं आपको संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है लालू फैमिली पर, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव पर, कि लगातार वो सदन में संविधान की रक्षा की बातें करते हैं, संविधान को लेकर सवाल उठाते हैं और हमेशा खुद ही संविधान के नियमों का उल्लंघन भी करते हैं, और लालू प्रसाद यादव के द्वारा ये जो काम किया गया है वो काफी निंदनीय है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।